हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। साल है 1995। फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़की हाइकिंग करते हुए दिखाई देती है। उसका नाम शेरिल है। शेरिल का अभी रिसेंट में डाइवोर्स हुआ है और वो मिनेसोटा राज्य के मिनियापोलिस शहर में रहती है। शेरिल देखती है उसके पैर में चोट आ गई है। शेरिल का एक शूज पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। गुस्से में शेरिल अपना दूसरा शूज भी पहाड़ी से नीचे फेंक देती है। यहाँ से फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ से शेरिल ने अपना सफर शुरू किया था। वो अपना हाइकिंग का सामान लेकर एक होटल में नाइट स्टे करने आती है। शेरिल रिसेप्शनिस्ट को बताती है कि वो पैसिफिक कोस्ट ट्रेल हाइकिंग करने जा रही है, पर उसके पास हाइकिंग लाइसेंस एड्रेस कुछ भी नहीं है। वो लेडी शेरिल को किसी रिलेटिव का एड्रेस मेंशन करने के लिए कहती है। शेरिल वहां अपने एक्स हस्बैंड पॉल का एड्रेस मेंशन करती है और फिर शेरिल ये बात पॉल को इन्फॉर्म करती है कि उसने उसका एड्रेस मेंशन किया है। पॉल शेरिल को उसके आगे के सफर के लिए गुड लक विश करता है। शेरिल को अपने माँ की याद आने लगती है। शेरिल की माँ की डेथ कैंसर से हुई थी। उसके बाद शेरिल डिप्रेशन में चली गई थी। वो हेरोइन जैसे घातक ड्रग लेने लगी थी और अनजान लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाना और अभी रिसेंट में हुआ डाइवोर्स, इन सारी चीजों ने शेरिल को अंदर से दुखी कर दिया था। और चीजें यहीं तक नहीं थी। डाइवोर्स के बाद शेरिल को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो अबॉर्शन करवा लेती है और हाइकिंग करके नई जिंदगी तलाश करने का तय करती है। सुबह हम देखते हैं वो अपना बैकपैक रेडी कर रही है, पर बैकपैक इतना भारी हो जाता है कि वो उसे उठा नहीं पाती और गिर जाती है, पर किसी तरह कोशिश करने के बाद वो उठा लेती है। हाइकिंग का एक्सपीरियंस शेरिल के लिए बिल्कुल नया था। शेरिल बाहर आकर एक शख्स से लिफ्ट मांगती है जो उसे मोजावे डेजर्ट के हाइकिंग ट्रेल तक छोड़ दे। वो शख्स के पूछने पर शेरिल बताती है कि उसका हाइकिंग का ये पहला एक्सपीरियंस है। वो शख्स शेरिल को ट्रेल पर छोड़ देता है। शेरिल अपना नाम ट्रेल रजिस्टर्ड में लिखती है। शेरिल अपनी ट्रैकिंग मोजावे डेजर्ट से शुरू करती है। वो जैसे जैसे आगे बढ़ने लगती है उसकी हालत खराब होने लगती है। इतनी कड़ी धूप और उतना भारी बैकपैक, वो सोचने लगती है कहीं उसने ये फैसला करके कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। शेरिल पीछे मुड़ के देखती है, सोचती है वापस लौट जाने का, पर वो अब काफी आगे निकल गई थी। हर तरफ बस सुनसान बीहड़ नजर आ रहे थे। शेरिल एक जगह रुक जाती है और वहाँ अपना कैंप लगाती है। शेरिल के पास एक किताब है जिसमें शेरिल अपने थॉट्स और हाइकिंग से जुड़े हुए सारी बातें लिखती है। रात हो जाती है, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और शेरिल को डर लगने लगता है, पर वो किसी तरह से खुद को समझा लेती है। सुबह हो जाती है। शेरिल अपने साथ एक स्मॉल स्टोव भी लेकर आई थी, पर उसके मैनुअल में लिखा था ये सिर्फ व्हाइट गैस से ही चलता है। वो गुस्से में उस स्टोव को किक कर देती है। शेरिल अपने साथ डिहाइड्रेटेड फूड लेकर आई थी, वो उन्हें खाती है। शेरिल रोज वही करती, हाइकिंग करती और खाती। आज हाइकिंग पर पांचवा दिन था। शेरिल ने लगभग 12 मील की दूरी तय कर ली थी। शेरिल को अपने हाइकिंग के डिसीजन पर अब पछतावा होने लगा था, क्योंकि जितना आसान उसने सोचा था ये उससे कई ज्यादा मुश्किल था। आगे हम देखते हैं आज पूरे 8 दिन बीत गए हैं। शेरिल का सारा खाना भी खत्म हो गया है। वो आगे खाने की तलाश में निकल जाती है। उसे रास्ता समझ नहीं आता। वो एक रास्ते पर चलने लगती है। शाम हो जाती है। शेरिल को दूर एक ट्रैक्टर दिखता है। वो उसकी तरफ भागते हुए आती है। वहाँ एक शख्स था, उसका नाम फ्रैंक है और वो एक फार्मर है। शेरिल उससे मदद मांगती है, पर वो कहता है वो अभी काम कर रहा है। फ्रैंक कहता है पीछे उसकी गाड़ी खड़ी है, वो उस गाड़ी में जाकर उसका इंतजार करे। शेरिल गाड़ी में बैठ जाती है। शेरिल को उसके गाड़ी में एक गन मिलती है। शेरिल डर जाती है। फ्रैंक काम खत्म करने के बाद गाड़ी में आकर बैठता है। वो शेरिल को उसके घर पर आने के लिए कहता है। वो कहता है उसे वहाँ डिनर भी मिल जाएगा, पर शेरिल अब उससे डरने लगी थी, पर शेरिल उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। शेरिल उसे बताती है कि उसका हस्बैंड भी उसके साथ हाइकिंग पर आया है, बस वो आगे थोड़ी दूरी पर है। शेरिल यहाँ पर फ्रैंक से झूठ बोलती है कि शायद ये सुनने के बाद फ्रैंक उसके साथ कुछ न करे। फ्रैंक उसे अपने घर लेकर आ जाता है। शेरिल देखती है फ्रैंक अकेला नहीं है, उसकी वाइफ भी है। सब साथ डिनर पर बैठ जाते हैं। शेरिल खाना देखते ही टूट पड़ती है, जैसे वो सालों की भूखी हो। सब काफी बातें करते हैं। रात शेरिल शावर लेती है। शेरिल अपने हस्बैंड पॉल को मिस करने लगती है। वो आखिरी पल जब दोनों अलग हुए थे। शेरिल की जिंदगी का वो काफी मुश्किल पल था। सुबह फ्रैंक शेरिल को छोड़ने चला जाता है। फ्रैंक को पता चल जाता है कि शेरिल का कोई हस्बैंड हाइकिंग पर नहीं आया है। शेरिल बताती है वो फ्रैंक से डर गई थी, इसीलिए उसने ऐसा कहा था। फ्रैंक स्माइल करके कहता है मुझे इस बात का पता था। फ्रैंक उसे ट्रेल पर छोड़ देता है। शेरिल अपनी हाइकिंग सियरा नेवाड़ा में शुरू करती है। रात वो कैंप लगाती है, पर इस बार वो अपने साथ व्हाइट गैस लेकर आई थी और कुकिंग करती है। सुबह हम देखते हैं आज उस डेजर्ट में 10वां दिन था।
शेरिल को रास्ते में डेजर्ट स्नेक दिखता है। वो डर जाती है। शेरिल वहाँ से भाग के निकल जाती है। रात शेरिल अपने कैंप में होती है। उसे उस स्नेक की याद आ जाती है। वो डरकर बाहर आ जाती है। वो अपने साथ एक हाइकिंग विशल लेकर आई थी। वो उसे ब्लो करती है जिससे आसपास के सारे जानवर भाग जाते हैं। उस विशल की आवाज उस डेजर्ट में गूंजने लगती है। उसे अपना पास्ट याद आने लगता है। पॉल किसी बात को लेकर शेरिल पर चिल्ला रहा था। यहाँ पता चलता है पॉल और शेरिल के बीच रिलेशन अच्छा नहीं था। सुबह शेरिल को रिवर पर एक शख्स नहाते हुए दिखता है। उसका नाम ग्रेग था। वो भी हाइकिंग करने आया था। वो शेरिल को उसके नाम से बुलाता है। शेरिल पूछती है, क्या तुम मुझे जानते हो? ग्रेग बताता है उसने उसका नाम ट्रेल रजिस्टर्ड में देखा था। ग्रेग शेरिल को बताता है कि वो कल तक कैलिफोर्निया कैनेडी मेडोज पहुंच जाएगा। वो शेरिल को वहीं मिलेगा। शेरिल फ्लैशबैक में चली जाती है। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड एमी के साथ एक कैफे में बैठी है। शेरिल बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। एमी पूछती है कि इसका फादर कौन है। शेरिल बताती है उसे नहीं पता। जैसा कि हमें पता है कि शेरिल ने कई लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं। इस बात पर एमी शेरिल को बहुत कुछ सुनाती है। उस वक्त एमी ने शेरिल की काफी मदद की थी और हाइकिंग के लिए शेरिल को एमी ने ही करेज किया था। फिल्म प्रेजेंट में आ जाती है। हम देखते हैं आज 14 दिन पूरे हो चुके हैं और शेरिल कैनेडी मेडोज पहुंच जाती है। वहां ग्रेग शेरिल से मिलता है जैसा कि उसने वादा किया था। वहां और भी हाइकर्स थे। ग्रेग शेरिल को सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है। शेरिल के लिए वहां एमी ने एक बॉक्स भेजा था। उसमें हाइकिंग सप्लाईज थे और एक लेटर था जो पॉल ने लिखा था। उसमें लिखा था, मुझे प्राउड है कि तुमने 1000 मील की दूरी तय कर ली है और आगे के सफर के लिए गुड लक। शेरिल वहां एक कैंपर एड से मिलती है जो शेरिल का बैकपैक का वेट कम करने में उसकी मदद करता है और उसे सैंडल के न्यू पैर देता है क्योंकि शेरिल के शूज बहुत छोटे थे, उसके वजह से उसके पैरों में छाले पड़ गए थे। शेरिल एमी को कॉल करती है और अगले स्टॉप पे उसके लिए नए जूते भेजने के लिए कहती है। शेरिल अपने फ्लैशबैक में चली जाती है। वो अपने भाई और माँ के साथ हॉस्पिटल में बैठी है। डॉक्टर बताता है उसकी माँ बॉबी को कैंसर है और उसके पास अब कुछ दिन ही बचे हैं। शेरिल का भाई लेफ ये सुनके इमोशनल होकर वहां से चला जाता है। शेरिल भी रोने लगती है। फिल्म प्रेजेंट में आ जाती है। शेरिल रीनो शहर में पहुंच जाती है। अब वो आगे का सफर वहां से शुरू करेगी। वहां वो पॉल को कॉल करके अपने हाइकिंग के बारे में बताती है। सुबह शेरिल अपने सफर पर निकल जाती है। वो देखती है आगे बहुत बर्फ पड़ी है। बर्फ पर चलना काफी मुश्किल था शेरिल के लिए। शेरिल को रास्ते का पता नहीं चलता। तभी वहां से दो स्केटर्स हाइकर गुजरते हैं। वो उनसे पूछती है कि ये कौन सी जगह है। वो बताता है कि तुम कैलिफोर्निया में हो। शेरिल अपना कैंप वही लगा लेती है। शेरिल कुकिंग कर रही होती है। तभी सामने वो एक फॉक्स को देखती है। वो जैसे ही उसे पकड़ने जाती है वो फॉक्स वहां से भाग जाता है। शेरिल आगे बढ़ती है। उसे एक पेड़ पर पैसिफिक कोस्ट ट्रेल का साइन बोर्ड दिखता है। वो उस साइन बोर्ड को फॉलो करती है। यहाँ हमें शेरिल का पास्ट दिखाया जाता है। कैंसर की वजह से उसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके पास वक्त बहुत कम है। इस बात से शेरिल और उसका भाई बहुत दुखी हैं। दूसरे दिन दोनों अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल में जाते हैं। नर्स बताती है कि उसकी माँ की डेथ हो गई है। दोनों ये देख के इमोशनल हो जाते हैं। फिल्म अब प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ शेरिल का एक शूज पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और वो अपना दूसरा शूज भी गुस्से में नीचे फेंक देती है। शेरिल फिर वो सैंडल पहनती है जो एड ने उसे दिया था। वो उसमें टेप लगा देती है क्योंकि सैंडल के साथ पहाड़ों पर हाइकिंग करना काफी मुश्किल था और आगे निकल जाती है। हमें शेरिल का पास्ट दिखाया जाता है कि कैसे उसकी माँ के मरने के बाद वो एक सेक्स अडिक्ट बन गई थी और ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था। आगे हम देखते हैं आज हाइकिंग करते वक्त 49 दिन पूरे हो चुके थे। शेरिल ट्रेल के एक स्टोर पर आती है। वहाँ एमी ने उसके लिए पैकेज भेजा था। उस पैकेज में नए शूज थे जो शेरिल ने कॉल करके मंगाया था। शेरिल वहाँ एक महिला हाइकर से मिलती है। दोनों आपस में काफी बातें करते हैं। फिर वहां से शेरिल आगे के सफर पर निकल जाती है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि शेरिल के फादर काफी अब्यूसिव था, इसीलिए उसकी माँ दोनों को लेकर घर छोड़कर चली गई थी। आगे हम देखते हैं शेरिल पैसिफिक क्रेस्ट ट्रेल का सफर शुरू करने जा रही है। वो ट्रेल रजिस्टर्ड में अपना नाम लिखती है और आगे के सफर पर निकल जाती है। ये शेरिल के सफर का अंतिम छोर था और आज 56 दिन पूरे हो चुके थे। शेरिल अपने पुराने दिनों को याद करने लगती है, कैसे वो सड़क पर हिप्पीज के साथ रहा करती थी और हेरोइन के नशा किया करती थी। शेरिल के जिंदगी के वो सबसे घिनौने पल थे। पास्ट में हम देखते हैं पॉल शेरिल को दूसरे शख्स के साथ सोते हुए देख लेता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि शेरिल अपने डाइवोर्स की खुद जिम्मेदार है। प्रेजेंट में हम देखते हैं शेरिल के बॉटल में पानी खत्म हो चुका है और डिहाइड्रेशन की वजह से शेरिल की हालत खराब होने लगती है। उसे उम्मीद थी कि पास में ही एक टैंक है, उसमें पानी होगा, पर वहाँ भी उसे पानी नहीं मिलता। शेरिल आगे बढ़ने लगती है। उसे एक जगह काफी जमा पानी दिखता है, पर वो पानी काफी गंदा था। वो अपना दोनों बॉटल भर लेती है
और दोनों बॉटल में आयोडीन की गोलियां डाल देती है जिससे पानी फिल्टर हो जाए और वो पी सके। तभी वहां दो हाइकर्स आ जाते हैं। वो शेरिल से पानी मांगते हैं और शेरिल कहती है ये पीने लायक नहीं है। वो दोनों शेरिल के बारे में बुरे शब्दों का प्रयोग करते हैं। शेरिल उनकी बातें सुन के अनकंफर्टेबल हो जाती है। वो वहां से जाने लगती है। वो दोनों भी वहां से जाने लगते हैं। शेरिल वहीं छिपकर उनके जाने का इंतजार करती है। उनके जाने के बाद शेरिल अपना कैंप वहीं लगाती है। उसमें से एक हाइकर वहां फिर से आ जाता है। शेरिल उसे देख के डर जाती है क्योंकि शेरिल ने उससे झूठ बोला था कि वो वहां से जा रही है। उसके पूछने पर शेरिल बताती है मैंने अपना इरादा बदल लिया था। फिर वो वहां से चला जाता है और शेरिल भी वहां से चली जाती है। रात भी होने वाली थी। वो नहीं चाहती थी कि वहां उसके साथ कुछ गलत हो जाए। आगे हम देखते हैं आज 62 दिन पूरे हो चुके हैं। शेरिल ओरेगन के एशलैंड शहर पहुंच जाती है। शेरिल वहां स्ट्रीट पर निकल जाती है। वहां शेरिल से एक शख्स मिलता है। उसका नाम जोनाथन था। वो शेरिल को जेरी ग्रेसिया के ट्रिब्यूट कॉन्सर्ट में इनवाइट करता है। शेरिल उसे हाँ कर देती है। शाम शेरिल जोनाथन के साथ कॉन्सर्ट अटेंड करती है और फिर जोनाथन उसे अपने प्लेस पर ले जाता है। वहाँ दोनों इंटीमेट होते हैं। दूसरे दिन वो माउंट हुड नेशनल फॉरेस्ट में आ जाती है। हाइकिंग के दौरान शेरिल को एक ग्रुप मिलता है। वो शेरिल से काफी फ्रेंडली हो जाते हैं। उन्होंने शेरिल को ट्रेल रजिस्टर्ड में उसके नाम से पहचाना था क्योंकि शेरिल हर रजिस्टर्ड में अपने नाम के आगे कोट्स या पोएम लिखती थी। सुबह वो आगे के सफर पर निकल जाती है। सामने उसे एक लामा दिखता है जिसपे हाइकिंग का सामान था। शेरिल देखती है सामने से एक बूढ़ी महिला और एक छोटा लड़का चला आ रहा है। वो लामा उनका ही था। वो लड़का अपनी दादी के साथ हाइकिंग पर आया था। उस बच्चे के पूछने पर शेरिल बताती है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। वो बच्चा शेरिल की माँ के लिए एक गाना गाता है रेड रिवर वैली। वो गाना सुनकर शेरिल अपनी माँ को याद करके इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। रात हम देखते हैं शेरिल अपने हाइकिंग के सारे एक्सपीरियंसेस और थॉट्स अपने बुक में लिखती है। सुबह हम देखते हैं शेरिल अपने सफर के अंतिम छोर पर आ गई थी ब्रिज ऑफ द गॉड्स जहाँ पैसिफिक कोस्ट ट्रेल खत्म होता है। शेरिल को वो पल याद आने लगता है जब उसने सफर से लौट जाने का सोचा था। अगर वो उस सफर से लौट गई होती तो शायद जिंदगी को नहीं समझ पाती। प्रकृति ने शेरिल को पूरी तरह से बदल दिया था। शेरिल को बीते हुए सारे पल याद आने लगते हैं। काश वो पास्ट में जाकर सब बदल पाती पर इस सफर ने उसे काफी कुछ सिखा दिया था। यहाँ से एक नई शेरिल का जन्म होता है जो अब जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती थी। शेरिल अपने सफर को याद करके इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो उसके जिंदगी के बिताए हुए सबसे शानदार पल थे और फिल्म यही खत्म हो जाती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये शेरिल स्ट्रेट के जीवन में घटित सच्ची घटना पर आधारित है। जून 1995 में शेरिल ने पैसिफिक क्रेस्ट ट्रेल का 2663 मील का लंबा सफर तय किया था वो भी सिर्फ 94 दिनों में। ये सफर मोजावे डेजर्ट से शुरू हुआ था और ब्रिज ऑफ द गॉड्स पर खत्म हुआ था। और सफर से लौटने के बाद शेरिल ने एक बुक भी लिखी थी। उस बुक का नाम था वाइल्ड फ्रॉम लॉस्ट टू फाउंड ऑन द पैसिफिक क्रेस्ट ट्रेल। आज शेरिल एक सक्सेसफुल अमेरिकन राइटर है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आप में भी एक वाइल्डनेस है तो आप भी प्रकृति की गोद में जा सकते हैं क्योंकि प्रकृति में जो गया है वो हमेशा कुछ पाकर ही लौटा है। मेरे हिसाब से फेमिनिज्म का सही उदाहरण यही है कि एक स्त्री अपने आप को जान ले कि वो एक वाइफ एक माँ और एक बेटी से हटके भी कुछ है और शेरिल स्ट्रेट ने इस बात को प्रूफ कर दिया है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट लाइक करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।